के लिए आया, पता नहीं क्या करता है गाड़ी में। तू मेंटल है क्या? ये तेरी वाली की ना, ये गंदा कपड़ा क्यों मारी मेरे ऊपर? फंस कैसे? सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी आपको अगर पता हो तो नमिश ने मेरी मॉम के साथ मिलके मेरे पे एक प्रैंक किया था। तो अभी मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ उस पर, तो उस प्रैंक होने वाला है। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं, तो अभी ना मैं उसको किसी चीज़ के बहाने उसको बोलूँगी कि यार ये लिया वो लिया। तो मैं ना उसकी गाड़ी में ना, ये मेरा एक बहुत पुराना सा ऐसे टी शर्ट है, तो मैं लाइक अब पहनती भी नहीं हूँ, तो मैं ना उसकी गाड़ी में छुपा दूँगी कहीं पर। और फिर मैं ना ऐसे एक्टिंग करूँगी कि मेरे को उसकी गाड़ी में को ढूंढ रही हूँ अपना, लाइक मैं भूल गई थी वो। फिर मैं उसको ऐसे ब्लेम कर दूँगी कि मेरे को किसी और लड़की का मिला है। और फिर ऑब्वियसली वो अपने आपको डिफेंड तो करेगा ही, बट देखते हैं उसका रिएक्शन, देखते हैं। तो अभी वो नीचे आएगा तो फिर उससे मिलते हैं। तो गाइस, अभी शायद ना नमिश आ गया है। तो मैंने फिर जो टी शर्ट थी वो मैं ऐसे हाथ में नहीं लाई, मैं इसमें ले आई हूँ ताकि फिर उसको दिखे भी ना, तो ताकि वो ऐसे नोटिस वोटिस ना कर ले। तो फिर अभी वो आ गया शायद। मैं तेरे को फ़ोन कर रही थी, मैं तेरे को फ़ोन किया, तेरा बिजी आ रहा था। क्या अबे जल्दी यार, दूसरा काम है, जल्दी बैठ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? तो भाई मैं तो अपना इंट्रो देता हूं ना, फिर भाई देख आपको किसका इंट्रो पसंद है, जल्दी बताओ भाई। मेरा बोलना सीख करा पहले। मेरा भाई यार, कैसे लगाते हो यार तुम लोग, गाड़ी ठुक जाएगी भाई किसी दिन। तो तू इतने आगे क्यों करके लगा रहा है, पीछे लगा दे थोड़ी। अरे पीछे दूध वाला खड़ा था तुम्हारा। कोई ना खड़ा था, So guys, 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 अब हम कहाँ जा रहे हैं? तो बता, मिलने तो बुला लिया, तो ना जा करें हम। यार ये देखो भाई, इसके लिए इसमें ना कहीं जाना नहीं चाहता, इसके साथ कहीं भी जाओ, गाड़ी में मंगा ले, गाड़ी में खाएंगे भाई, जहाँ जा रहे हो वहाँ की जगह लेके जाना, फिर वहाँ की एम्बियंस एंजॉय करो। इतना बढ़िया तैयार होके आता हूँ यार, फिर बोलती है फिर गाड़ी में क्यों खाना है? तू बता कहाँ जाएगी, बता कहाँ जाएगी, चाहे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर हो मैं जाऊँगा, तू बता। चल पक्का, डन है, चल। चलो भाई साइबर, अब जा रहे हैं, आपके सामने बोला इसने, जा रहे हैं। फिर रात को 10-11 बज जाएंगे, रात को 10-11 बज जाएंगे जाम में। चलो भाई चल, पागल है क्या? पागल मत करा जा, मेरे बाल झड़ते हैं बहुत, बहुत बार बोला है, सारी हेले ने सीट कर दी इसके चक्कर में मेरी। पागल क्या, उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता जो मैं यूज करती हूँ? कौन सा प्रोडक्ट? ये ले पकड़ इसे, ये एक प्रोडक्ट है मायोपचार से, जो एक हेयर सीरम है जो तेरे बालों का हेयर फॉल तो कम करेगा ही करेगा, बट जो तेरे बाल नहीं भी है वहाँ पे एक न्यू हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करेगा। तो लाइक जो मेरी हेयर लाइन ऐसे एक्सीड हो रखी है वो भी वापस आ जाएगी? वो भी वापस आ जाएगी। और देखो बस, जैसे देखो बहुत आलस आता है ऑयलिंग करने में, ताकि देखो ऑयलिंग करे फिर धोए वो, देख तू बस ये हफ्ते में 3 बार लगा के बस ऐसे छोड़ के कॉलेज वॉलेज भी जा सकता है, तेरे बाल ऑयली भी नहीं है यार। तो मेरे को इसको कितनी बार यूज करना है हफ्ते में? 3 times a week। तो उससे मेरी हेयर लाइन वापस आ जाएगी सारी? तेरी हेयर लाइन भी वापस आ जाएगी, और जो तेरे बाल अभी है वो भी अच्छे हो जाएंगे, तेरे शाइनी हेयर हो जाएंगे, और तेरे हेयर फॉल भी रुक जाएगी। तो बहुत सही चीज है यार, और ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, क्वाइट अफोर्डेबल भी है, और ये आजकल बहुत वायरल भी जा रहा है। सो गाइस, अगर आपको भी ये प्रोडक्ट चाहिए, उपचार की वेबसाइट पे जाओ, अमेज़न पे जाओ, जहाँ मर्जी से ले लो, माया उपचार का प्रोडक्ट है। और अगर आपको हम 10% डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारे प्रोमो कोड से माया उपचार की वेबसाइट से ले। बट अगर वो 10% डिस्काउंट चाहिए तो खाली माया उपचार की वेबसाइट पे मिलेगा, वो अमेज़न पे नहीं मिलेगा। तो जल्दी जाओ माया उपचार पे, जल्दी से ये प्रोडक्ट खरीदो और अपनी हेयर लाइन वापस लाओ, इसकी तरह गंजे होने से बच जाइए। यस गाइस, और आपको सारी डिटेल्स और अगर सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई दिक्कत की लोड नहीं है, टेस्टेड प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा। और अगर आपको कोई क्वेरी भी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम आपके सारी क्वेरीज का आंसर कर देंगे, और प्रोमो कोड वगैरह सब कुछ हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए ये प्रोडक्ट खरीद लीजिए। ओए चीटर, क्या बात हुई थी हमारी अभी उस पे, कहाँ जा रहे हैं हम? जल्दी बोल दे जल्दी यार, यार मत करियो। भाई साहब कितनी दोगली है ये, कितनी दोगली है, जल्दी बता दे किसकी बात हुई थी, मैंने क्या बोला अभी, कि तेरी क्या बात हुई है? भाई तूने कहा कि वहाँ चलते हैं अभी, वहाँ नहीं, इसने कैमरे बंद होने के बाद बोला कि भाई सही में ऐसा 11 बज जाएंगे क्या? मैंने कहा हाँ यार 11 तो बज ही जाएंगे, जाम वाम होता गुड़गांव में। छोड़ फिर ना, पास वाले कैफे कॉफी डे चलते, पास है ये भी दूर ही है।
पूरी है, दोगली है तो एक नंबर की, 18 मिनट दूर है बस यहाँ से, दूर नहीं होता ये भाई। मैं इसके साथ जान नहीं छोड़ दूंगा, मेरा दिमाग खराब कर दिया है। कहती आज ना अच्छी जगह जाएंगे, अच्छा व्लॉग व्लॉग करेंगे, बड़ा टाइम हो गया कोई व्लॉग नहीं आया चैनल पे, तो अच्छे से तैयार व्यार होके। मैं कहा ठीक है, मैं बोला कोई अच्छी जगह ना, साइबर वगैरह सिटी वगैरह। यार देख, आज था हम दोनों का कॉलेज, तो हम आए लेट, तो क्या कॉलेज तो हर दिन होता है। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं कैफे कॉफी डे, वहाँ पे कैफे जाने हैं, कुछ पीना भी है। किसी भी सीसीडी जाओ, नॉर्मल सीटिंग होती है गंदी सी बेकार सी, ये सीसीडी मेरा इसलिए फेवरेट है क्योंकि यहाँ पे ना, क्योंकि यहाँ हमें भिखारियों की तरह सर्व करते हैं, बाहर ऐसे पार्क में लगे होते बेंचेस, वहाँ जाके यहाँ पे ना उन्होंने दो स्ट्रीट डॉग्स पाल रखे हैं, तो वो भी वहीं पे रहते हैं, तो मेरे को लियो के साथ खेल ले, फज्जू के साथ खेल ले, अपने कुत्तों के साथ नहीं खेलना बाहर के भाई। तो यार एवरी गर्ल इज द सेम, तो उनको भी तो प्यार चाहिए यार, कभी अपने वाले के साथ नहीं खेलेगी, हमेशा दूसरों के साथ खेलेगी। लाइफ लेसन गाइस। सो गाइस अभी चलते हैं, फिर अभी थोड़ी ज्यादा बड़ी क्लिप हो गई, फिर चलते हैं। तो ये गाड़ी 10 करोड़ की है जो सामने इस क्रॉस चल रही है, ये बता कैसे नहीं है। अबे कसम से 10 करोड़ की है, ये देखो पता है कैसे 10 करोड़ की है, उसका नंबर प्लेट देख। तो मुझे पता है इसके उतर ले गाड़ी से, आधे घंटे से गाड़ी खड़ी हुई है, 10 रीटेक ले चुके इसके बोल के, कुछ भी चल ले अब हो गया, अब नहीं होगा। पहले 10 बार भाई मैं तंग आ गया इस लड़की से, पहले 10 बार अपने बाल सेट करेगी, सही लग रही ना, मैं सही लग रही ना, ओ मेकअप जहाँ पर ज्यादा ब्लेंड कर लेती हूँ उसके बाद। So guys, अभी हम सीधी आ गए हैं सर, गाली गाली चल यार जल्दी चल भाई, ड्रामे नहीं खत्म होते इन लड़कियों के, तंग आ गए। जी चल ले, फोन में लगा हुआ है, गिर मुड़ जाएगा। ये देखो गाइस 24 घंटे फोन में लगा रहता है। यो गाइस चल खाना क्या है यहाँ पे, चल तो रहूं। ओए अच्छा तू 2 मिनट चल सीट ले, मैं 2 मिनट पानी बॉटल भूल गई, मैं अपनी गाड़ी की चाबी दे दूँ, पानी बॉटल लेके आ रही हूँ। मैं साथ चल लेता, मैं नहीं बैठा कोई नहीं, अबे यार तू सीट लेना अच्छी वाली, वो वाली ले ले जो मेरे को पसंद है, जा कि मैं आई नहीं हूँ, अच्छा टी शर्ट छुपा देती हूँ क्योंकि और मेरे पास कोई मौका नहीं अपने वाला टी शर्ट छुपाने का। ओके एक मिनट, हम जल्दी से टी शर्ट छुपा देते हैं, मैं सोच रही हूँ डैशबोर्ड में छुपा दूँ, तो फिर उसको वहाँ पे इतना वो देखता भी नहीं है, लेकिन मैंने उसको बैठी कभी डैशबोर्ड खोलते हुए देखा है, तो इसको यहाँ पे छुपा देते हैं। कूड़ा देखो गाइस, बट कोई बात नहीं, इसको यहाँ छुपा देते हैं, ऐसे करके चलते हैं, वरना उसको शक हो जाएगा अभी वो, लेकिन पूछेगा कि मैं अरे आ रहा है गाइस, तो क्यों आ गया, आ रही थी ना मैं, मेरे को एंजाइटी होता है, सोशल एंजाइटी। क्या पानी की बोतल का है ये, मैंने पी लिया फिर, अबे मेरे लिए भी ले आती, तो अंदर जाके पीना ही तो है, मैं बाहर का नहीं पीती ना, तो अपनी बारी में बात नहीं थी, मेरी बारी में बात आ रही है। कहीं का भी कुछ भी उठा के खा ले, मेरे को वहाँ बैठना था, इसने जबरदस्ती यहाँ बैठा दिया, इसने स्पेशली मेरे से व्लॉग ऑन करवाया ये बोलने के लिए, तो मैं और अपना दुख शेयर करूँ भाई, ये लड़की हिली हुई है, इसको मेंटल इलाज की जरूरत है। मैंने उसको वहाँ पे इतना नहीं बोला था कि मैं अब भेज पाऊँ, क्योंकि कैमरा छुपाना था, तो मैंने कैमरा छुपा दिया है, और अभी वो आता होगा तब तो मैं कैमरा से छोड़ रही हूँ, फिर मैं क्रॉप कर दूँगी। और मैंने उसको बोला कि शोल है, शोल आ रहा है गाइस, आ गया आ गया, एक शुगर पैकेट लाने में मिला भी नहीं, वो कहते सर हॉट चॉकलेट से ज़्यादा ही वो मीठा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। हाँ तो उन्होंने से मना कर दी,
पागल है क्या? मना थोड़ी करते हैं ऐसे। ए, मुंह में क्यों नहीं आ रही मेरे? चूसने वाली थोड़ी है, पीना है ऐसे करना। चले। हाँ चल। ये मैंने नया उस दिन अपनी लिपस्टिक छोड़ दी थी, कहाँ रखी है? मुझे पीछे डैशबोर्ड में होगी। गन्ने चलाऊं गन्ने? किसने रखी? क्या किसने रखी? एक कहीं और यार। मुझे क्या पता, तू छोड़ के गई होगी ना, तो मुझे क्या पता। छोड़ के गई थी तो देख ले होगी। मैं तो वैसे बोल रहा हूँ डैशबोर्ड में हो सकती है। ही नहीं तो ढूंढ ले, डैशबोर्ड में देख ले, पीछे देख ले, कहीं भी देख ले, मुझे क्या पता कहाँ है। पता नहीं यार, तो हॉटस्पॉट दे, वो गाड़ी चलाने में नेट चल रहा। कूड़ा कचरा भर रहा मेरा। हॉटस्पॉट दे, ये है क्या? ये है। ओके, गाड़ी साफ करने वाला कपड़ा और क्या? ये गाड़ी साफ करने वाला कपड़ा है। ये गाड़ी साफ करने वाला कपड़ा है और क्या? और किसका कपड़ा है? टी-शर्ट है। अरे पुरानी टॉप है ये। पुरानी टी-शर्ट है को गाड़ी साफ करने वाला कपड़े बनाते हैं। किसकी है ये? बोला तो गाड़ी साफ करने। नहीं है नमिश। क्या साफ दिखा? है नहीं है। दिखा तो, दिखा दे ले। लोकल ब्रांड की टी-शर्ट है, कपड़ा ही है। किसकी है? क्या किसकी है? कल गई कहीं गया था ना। परफ्यूम तो अच्छा है तो। क्या कहाँ गया था कल? क्या कहा गया था कल? शूट का मना करके कहाँ गया था? कहीं। ये किसकी है मेरे को बता दे। मुझे क्या बता? तेरे को ही पता होगा ना, तू ही गया है। पता नहीं किसकी उठा के ले आया, पता नहीं क्या करता है गाड़ी में। तू मेंटल है क्या? आवाज मेरे मुंह पे भाग रही है पागलों की तरह। हाँ तो तेरी है, तो तो किसकी लाया है? किसकी लाया हूँ? होगी मम्मी, मम्मी की होगी, मेरे को क्या पता। पूछवा अपनी मम्मी से, पूछवा। क्या पूछवाऊ? कि उनकी है तो इस काम के लिए मम्मी को फोन करेंगे तो पागल था क्या थोड़ा? मम्मी बोलेगी। हाँ नहीं, पूछ लेगी मम्मी आपने कपड़े छोड़े हैं। तू मेंटल पता नहीं कौन सी लड़की के लिए आया है। कौन सी लड़की के लिए आया है मेरे को क्या पता। ले पूछ ले भाई, और अगर बोल देना अपने मुंह पे चाटा मार लियो फिर। एक तेरे मारूंगी, फिर तो इसी लड़की की है। पीछे कर इसको, अगर मैं फोन कर लियो मम्मी ने फिर अपने पक्का चाटा मारेगी, तो मेरे को नहीं पता। तेरी मारूंगी। हाँ मम्मी। हाँ कहाँ पे हो? घर पे। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस लियो को ऊपर लेके गई थी अभी। मैं क्या कह रहा था कि आपका कोई वो टी-शर्ट वीशर्ट रह गई थी क्या गाड़ी में? नहीं अपनी तो कोई टी-शर्ट नहीं है, कोई भी टी-शर्ट नहीं है गाड़ी में तो। वो पर्पल कलर की? नहीं, कल तू ही तो गया था। तो क्या तो घूमने किसी लड़की वड़की की होगी किसी की? तो घूमता रहता लड़कियों के साथ। मम्मी गाड़ी में क्या करेगी मेरी टी शर्ट किसी लड़की की? तो हमें क्या पता कहाँ से आई, हमारे तो है नहीं, ना ही हम लेके गए थे। तो फिर किसकी है? तुझे पता होना चाहिए किसकी है। ठीक है मैं करता हूँ आपसे बात करता हूँ। ठीक है। मुझे जेन्युइन नहीं पता किसकी है। I swear, भाई कसम से मेरे को पता होगा। मैं भाई भगवान बता दे, मैं कसम से कह रहा हूँ मेरी नहीं है, मेरे को नहीं पता किसकी है। कल तू ही गया था, तू बता। मैं मम्मी ये जेन्युइनली नहीं पता, मैं नहीं जानता किसकी है। भाई तू गया था ना कल, ते बस एक काम रह गया, लड़कियों के पास जाना। अरे और लड़कियों के कपड़े रखना। अरे गाड़ी साफ करने वाला कपड़ा हुआ? कोई गाड़ी साफ करने वाला कपड़ा नहीं है ये, तेरे को भी पता है इतना कोई नया कपड़ा नहीं होता। तो अच्छा एक बात बता, किसी टी शर्ट की होगी वो अपनी, वो मेरी गाड़ी में अपनी टी शर्ट क्यों छोड़ के जाएगी? तेरे को भी पता है बच्चा नहीं है। बच्चा नहीं, तू मेंटल वाली बातें क्यों कर रही है? मुझे जेन्युइनली नहीं पता किसी है, तेरे को मेरे पे इतना भी ट्रस्ट नहीं है? नहीं है मेरे को ट्रस्ट है। अरे कुछ नहीं है, चल रहे हैं हम कुछ खाने पे। हम कहीं नहीं चल रहे हैं जब तक तुम मेरे को मैं ऐसे लड़कों के साथ नहीं घूम सकती। मैं ऐसे लड़कों के साथ नहीं जाऊंगी बाहर। अरे मत कर यार, मेरे को जेन्युइनली नहीं पता किसकी है। मत कर, जेन्युइनली बता दे। क्या किसकी है ये? मुझे नहीं पता। तो फिर मेरे को भी नहीं पता, मैं तेरे साथ कहीं नहीं जा रही, मैं घर जा रही हूँ। कोई घर? गाइस अब हम सीधा घर जा रहे हैं। कोई घर नहीं जा रहे, व्लॉग भी यहीं पे एंड होने वाला है क्योंकि अब घर जा जाएंगे तो फिर व्लॉग का ही क्या कोई व्लॉग नहीं एंड हो रहा। चुप कर,
भाई या तो तू सच बता दे या तुम तब तक मेरे से बात मत करो जब तक तू सच नहीं बता। किसी की नहीं, मुझे नहीं पता। मैं क्या ही बात करूँ इससे, मैं ऐसे लड़कों से बात नहीं करती। त्रिशी ऑन कैमरा बकवास मत कर, जो भौंकना है तूने ऑफ कैमरा भौंक ले। क्या जो बोलना ऑफ कैमरा बोलो, ऑन कैमरा बोल के ना मेरी इमेज मत खराब कर सबके सामने। तो फिर बता दे किसकी टी शर्ट है। किसकी टी शर्ट है बोल रहे हो, किसी की नहीं है भाई, पागल कर दिया है। मेरे को बता देगा या तो हम घर जा रहे हैं। हम कहीं नहीं जा रहे, हम तबूज जा रहे हैं। चलो जा, मेरे को क्या, मैं अपने वहां से उतर के मत कर यार हरकतें, मेरे को नहीं पता किसकी है। प्रशांत क्यों तंग कर रही है यार, तू हाइपर हो रहा है, पागल है क्या थोड़ा, खुद गलती करता है ऊपर से हाइपर हो रहा है पागलों की तरह। मतलब इसने करी है गलती, हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस बिहेवियर। गाड़ी का मुंह देखो, कुछ ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों को, ऐसा ऐसा नहीं लग रहा। क्या एक तो बालों से मुंह ढक लेती है अपना, अबे पागल चढ़ी हुई है भाई ये, पता नहीं किस बातों पे चढ़ी हुई है। चीखी जा रहा है फालतू में, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि प्रैंक मेरे पे हो रहा है कि वो कर रहा है प्रैंक मेरे पे, वो चीखी जा रहा है। अब फूट गया भांडा, फूट गया, कल होगी बकवास होगी। ये देखो भाई, ये देखो क्या हरकतें कर रही है, ये देखो फूट गया भांडा, फूट गया, कर हो गई बकवास, होगी हो गई बकवास, फूट गया। हाँ क्या फोन, अच्छा वहाँ पे कैमरा छुपा के जो तूने हरकतें करी है ना, मैं कहीं गया नहीं था, पीछे से ही देख रहा तू क्या हरकतें कर रही थी। भांडा फूट गया बेटे, कल गाड़ी ड्राइविंग कर, एक कपड़ा आ ही नहीं सकता कहीं से, जो अपने साथ कपड़े लाई है ना तू बेटे। गाइस इनके बस का कुछ है नहीं, कल ही मैंने इसको बताया कि गाड़ी ड्राइविंग होके आ रही है, तब फिर कल ऐसे गाड़ी में पैर ऊपर ऊपर मत रखिए, मेरी गाड़ी गंदी हो जाएगी। उसके बाद भी इतनी मंद बुद्धि है, प्रैंक व्रैंक करना आता नहीं है, कुछ करना आता नहीं है, पता नहीं क्या चाहो, क्या करोगे तुम जिंदगी में। और भाई मेरे मुंह पे इतनी तेज तेज ने कपड़ा फेंक के मारा है ना, मेरे पे प्रैंक करेगी, मेरे पे प्रैंक करेगी है मेरे पे प्रैंक करेगी क्या है? वो जाना प्रैंक मेरी खुशी के लिए, और तेरी खुशी के लिए। अबे चल यहाँ से, फ्लैश क्यों मार रहा है? ध्यान से देखो गाइस इसका चेहरा, इनको नहीं आता प्रैंक करना, वो फ्लैश मार रहा है। गाइस इस व्लॉग को फिर यहीं पे एंड करते हैं। क्या भाई सैड जी हो गए, इससे प्रैंक नहीं हो पाया तो यार कोई नहीं यार, खुशी के लिए बुद्धू बन जाए। अबे वो नाटक किसी और से करियो, ठीक है, मैंने सीख करा, इतना दुख हो रहा तो। ओके गाइस सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल, मेरे से आंखें भी नहीं खुल रही है। सो ओके गाइस मेक श्योर यू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।